मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। कई लोगों ने आके मुझे बोला आपने जॉब क्यों नहीं करी, और मुझे बोलते थे ये क्या इंजीनियरिंग करने के बाद आपको चाय बेचना पड़ रही है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बहुत बार लोगों के मुँह से सुनना पड़ा। तो कई बार निराशा होती थी, फिर कई बार ये डिसीजन सही भी लगता था कि जॉब करने से बेहतर खुद का छोटा बिजनेस होना सही है। तो मैंने कई बार सोचा कि हाँ ये सही, और आज वो डिसीजन मुझे सही लगता है कि मतलब वो डिसीजन सही है, क्योंकि कई लोग सपोर्ट करते हैं कि आप चाय बेचो, चाय भी 10 रुपये में दे रहे हो, उसके अलावा बिस्किट भी दे रहे हो, ये चीज़ें। आज मैं जब फूड ट्रक में रहा तो करीब करीब 80 से 100 चाय मेरी उस वक्त जाती थी, करीब करीब 1-1.5 साल पहले से। उसके बाद आज मैं यहाँ शॉप पर आया, उसके बाद लोगों को जो कनेक्ट हुआ हूँ, मतलब ग्राउंड लेवल पर जो कनेक्ट हुआ, आज मेरी 800 से 1000 चाय यहाँ पर मेरी चाय जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमच इंदौर चैनल में। और दोस्तों रजत जी हैं जिन्होंने दोस्तों इंदौर में चाय बिस्कुट का कॉन्सेप्ट चालू किया है, जिसमें 10 रुपये की चाय के साथ बिस्कुट फ्री देते हैं। और ये नॉर्मल बिस्कुट नहीं है, ये एक तरीके की कुकीज़ है जो कि भैया चाय के साथ फ्री देते हैं, और इंदौर में काफ़ी पसंद किया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को। और भैया ने पहले एक कार्ट से चालू किया था, लेकिन भैया ने काफ़ी मेहनत करी और आज उनको इतनी सक्सेस भी मिली कि भैया 800 से 1000 चाय सेल कर देते हैं। और रिसेंट में अभी भैया ने दोस्तों प्लेटर भी चालू किया, जिसमें 5 आइटम देते हैं जो कि स्टूडेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी रिजनेबल है। तो ये ट्राई करना तो बनता है दोस्तों। चलिए पूरी स्टोरी देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रजत राठौर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने 19 दिसंबर 2019 में फूड ट्रक स्टार्ट किया था, चाय बिस्कुट कैफे के नाम। करीब करीब 1.5 साल 2 साल मैंने फूड ट्रक में ही मेरा वर्क जारी रहा, उसके बाद मैंने कैफे में शिफ्ट हुआ। मैं अभी जस्ट 1 मई को मैं कैफे में शिफ्ट हुआ था। एक हमारा मेन USP ये है पूरे इंदौर में कि एक चाय के साथ एक बिस्किट कंसेप्ट है, क्योंकि चाय के साथ एक बिस्किट सर्व होता है 10 रुपये में मात्र, और वो बिस्किट भी तो नॉर्मली बिस्किट नहीं है, आपको आसपास कहीं भी बिस्किट नहीं मिलेगा, वो हम उसको स्पेशली हैदराबाद से मंगवाते हैं। क्या हुआ था, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं भी SSC की प्रिपरेशन कर चुका हूँ इसी एरिया में, उसके बाद लोको पायलट की भी प्रिपरेशन की हुई है मैंने। उसके बाद में मैंने ये मेरा आइडिया आया कि कैफे के लिए कि क्या करना चाहिए और ऐसा क्या स्पेशल चीज़ लाना चाहिए कैफे में, कि काफ़ी सारे कैफेज यहाँ पर हैं पर स्पेशल अपना क्या होना चाहिए। तो वहाँ से मेरा आइडिया जनरेट हुआ, क्योंकि हम लोग भी उस वक्त चाय के लिए जाते थे, चाय वगैरह पीते थे, तो चाय के साथ 10 रुपये में चाय के साथ बिस्किट मिल जाए तो थोड़ा सा एक भूख वाला काम भी हो जाएगा, थोड़ी सी भूख भी मिट जाएगी और एक चाय का भी काम भी हो जाएगा। उस वक्त मैं जब यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, हर जगह मशीन की चाय चलती थी, तो मैं अपने यहाँ मेन चीज़ स्पेशल गैस की चाय लेके आया था। वही मेरा जो भी कस्टमर एक बार के मेरे यहाँ की चाय पी लेता है, वो बिस्किट खा लेता है, तो यही के ही आता है, यही मेरा मेन USP चीज़ है। एक ये स्टूडेंट एरिया है पूरा, स्टूडेंट एरिया में बच्चों के ज़्यादा पैसे मिलते भी नहीं घर वालों से, तो हमने वही सोच के मेन कंसेप्ट वही था कि कम खर्चे में पूरा काम हो जाए, तो उसमें 10 रुपये में चाय भी हो जाती है और एक बिस्किट भी हो जाता है, जो कि उसका भी नॉमिनल कॉस्ट चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट हम बिस्किट देते हैं। दोस्तों इनका भैया का मैं एड्रेस आपको समझा देता हूँ, ये आप देखिए पीछे भवरकुआ स्क्वायर है, वहाँ से आएंगे आप चिड़ियाघर और इधर से आप आएंगे भवरकुआ स्क्वायर, और थोड़ा सा आगे आएंगे पीछे आपको गिरिराज बिल्डिंग दिख जाएगी, उसके ठीक नीचे आपको चाय बिस्किट का इनका काउंटर दिख जाएगा। और इनका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बिस्किट आप टेस्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल है ना, पूरा सॉल्टी है ना, ज़्यादा मीठा है, वो चीज़ मेन है। और उसके साथ में जो पूरा हमारा पूरा मेन्यू है वो पूरा पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू है, 35 रुपये का सैंडविच चालू है तो हमारे 60-70 रुपये में सैंडविचेस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद मैगी भी मिल जाएगी हमारे पास, सैंडविचेस है, मैगी है, बर्गर है, फ्राइज़ है, कोल्ड कॉफ़ी है, शेक्स है, बेग समोसे हो जाएगा, चाय में भी वैरायटी फ्लेवर चाय हम सर्व कर रहे हैं। एक चीज़ ये है कि हमने जब भी कैफे फूड ट्रक भी स्टार्ट किया था और फूड ट्रक जब भी कैफे में आया तो एक चीज़ मैं हर चीज़ के लिए भटका हूँ, कोई सी भी चीज़ जैसे बिस्किट हुआ तो बिस्किट के लिए मैंने सब जगह देखा, उसके बाद ही कोई चीज़ सिलेक्ट की, बिस्किट सिलेक्ट किया, उसी तरीके से मैंने अभी आज कुछ कैफे में भी स्टार्ट किया। ये है बिस्किट वो आपका, ये मतलब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये 10 की चाय का एक चाय के साथ फ्री बिस्किट आता है, और ये इंदौर में कोई नहीं होगा, आप बिस्किट खाएंगे तो चाय को भूल जाएंगे और चाय पियेंगे तो बिस्किट को भूल जाएंगे। जनरली हमने यहाँ पर भवरकुआ क्षेत्र में जब सेकेंड लॉकडाउन था तब स्टार्ट किया था, 1.5 साल हमने यहाँ पर फूड ट्रक लगाया है, वहाँ पर हमने हमारा पूरा मार्केट गेन किया हुआ है,
मार्केट के अंदर मतलब चाय लोगों को सबसे पहले चाय वगैरह वहाँ पर सर्व की थी चाय भी, वो चाय के साथ में 80% जो भी मेन्यू है वो हमने वहाँ पर ही देते थे, तो वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हमारा वही था, लोग चाय से मेन हमारा इम्प्रेस हुए। उसके बाद सेकेंडरी इसके बाद उन्होंने सैंडविचेस वगैरह ट्राई किए, उनके अपने अपने सबके अलग अलग रिव्यूज़ थे, किसी को ये चीज़ चटनी पसंद है तो किसी को चीज़ कॉर्न। हमारे मेनली बेसिकली दो सैंडविचेस ज़्यादा चलते हैं, वो है चीज़ कॉर्न सैंडविच और एक पनीर टिक्का सैंडविच। पहला भगवान को ये मतलब कब भी आपने यूनिक बनवा रखा है इसका? घर पे पहले अग्नि देवता को चढ़ा तो हम भी पहले। अच्छा, जो आपने कांच का कप देखा था उसके लिए काफी सारे शॉप्स मैंने उसको भटका उसके बाद वो सिलेक्ट किया था क्योंकि ताकि कोई यूनिक दिखे, कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट लगे अपना, वही चीज था। पहले खुद का सेटिस्फेक्शन जरूरी है, बाद में कस्टमर का। पहले चाय हम खुद ही पहले टेस्ट करते हैं, चाय पहले खुद टेस्ट होगी उसके बाद ही कस्टमर को। और आपको मैं बताना चाहूँगा मेरी चाय के बारे में, चाय के लिए भी हमने जो दूध है वो सांची गोल्ड यूज़ करते हैं, सांची का गोल्ड यूज़ करते हैं उसके चाय और चाय पत्ती जो होती है चाय पत्ती वो हम बनवाते हैं किसी एक थ्रू के किसी एक बंदे के थ्रू उसको बनवाते हैं और वाले सारे नीट एंड क्लीन तरीके से चाय बनती है। चाय का काउंटर हमने स्पेशली ऊपर रखा हुआ है ताकि वो पॉइंट रोड से टच रहे और लोगों को जल्दी पकड़ना है। इसमें मेरा मेनली बैक सपोर्ट है मेरी मदर का और मेरी वाइफ का, और छोटे भाई का भी सपोर्ट रहता है कई बार उसमें। ये सब सपोर्ट बैक सपोर्ट होने के बावजूद उसके बाद ही मैं यहाँ पूरा अपना 12-14 घंटे यहाँ पर कर पाता हूँ। मदर का सबसे बड़ा काम ये रहता है इसमें कि वो चटनी बनाते हैं, जो चटनी है हमारे हर सैंडविचेस में बेक समोसे में चटनी होती है वो मदर ही बनाते हैं, और ब्रेकफास्ट से अभी तक वो चटनी वही बनाते आ रहा है। ये हमारे उससे नहीं बनाते ये बिस्किट आप। अच्छा, ये आज आप आज से चालू कर रहे हैं? आज से हम लोगों ने चालू किया। अच्छा, क्या है इसमें? 119 रुपए में फाइव प्रोडक्ट मिलेंगे कस्टमर को। अच्छा, मैगी मिल जाएगी। अच्छा। और उसके बाद फ्राइज है उसमें, उसमें मोमोज है, सैंडविच और चाय के साथ बिस्किट, जो हमारा मेन USP है। क्या बात है, कम खर्चा और फुल चर्चा। इसका नाम ही हमने ये दिया, वो कम खर्चा फुल चर्चा। इसके अलावा वाइफ मेरी है, वाइफ भी कभी कभी ये हेल्प करते हैं, जैसे सैटरडे संडे उनका वीकली ऑफ रहता है तो वो यहाँ पर हेल्प करते हैं, और जैसे कुछ भी बाहर से सामान वगैरह लाना तो वो भी मेरी वाइफ ही हेल्प। हाँ जी, मैं जॉब करती हूँ, बट जैसे मेरे को वीकेंड पे टाइम मिलता है, सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है तो मैं इधर आ जाती हूँ उनकी हेल्प के लिए। माहौल बन जाता है इनका, तो वो भी गर्ल्स भी थोड़ा सा ये सिक्योर फील करती है, मतलब कस्टमर को ऐसा लगता है कि हाँ फैमिली, थोड़ा बैकग्राउंड जो है हमारा हस्बैंड वाइफ है हम लोग, मेन उसी कारण के कस्टमर्स आते, कपल आके बैठे रहते कि फैमिली वाला माहौल रहता है। ये हमारी सबसे मेन चीज़ है चटनी। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि जब डे फर्स्ट मैंने शॉप ओपन करी तब भी मम्मी ही बनाते हैं चटनी को, राजू मम्मी बनाते हैं, क्योंकि वो सेम टेस्ट बना रहे, घर का स्वाद बना, घर का स्वाद बना रहे। स्नैक्स आइटम भी अपने इसके साथ चाय के साथ चलते रहते हैं। बर्गर हो गया, फ्राइज हो गए, फ्राइज के पिज्ज़ा, सारे A to Z जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें सारे मिल जाएंगे अपना। इतने भी शौकीन होते हैं, सही बात है, चटपटा हर चीज़ में चटपटा। बस ये है मेन, इंदौर का हीरा बोल दो इसको। जो प्लेटर अभी हमने 15 अगस्त वाले दिन प्लेटर लॉन्च किया 119 रुपये का, उसमें 5 चीज़ें दे रहे हैं हम लोग। मोमोज हो गए, मोमोज के वेजिटेबल मैगी है, फ्राइज है, फ्राइज के इसका सैंडविचेस है, और एक हमारा जो स्पेशल मेन चीज़ है वो चाय विद बिस्कुट है। ये पूरा चीज़ है, ये पूरा 119 रुपये में आ जाएगा आपको। तो इसमें वेजिटेबल मैगी है जो कि हमारी, वो भी सबसे ज़्यादा चलती है, वेजिटेबल मैगी और चीज़ कॉर्न मैगी चलती है। आज
टेस्ट तो सबसे बढ़िया है। सबसे अच्छी बात यह की कि अभी जो चाय है ना, चाय सबसे बढ़िया है। क्या है, पूरे भवरकुआ में ना सिर्फ बॉयल्ड टी ना यहाँ ही अच्छी लगती है। मशीन वाली की जो रहती है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मेरे को तो तकरीबन एक साल हो गया है यहाँ पर, एक साल हो गया है तकरीबन। सबसे ज़्यादा टाइम क्या मैगी में लगता है, मैगी में ज़्यादा टाइम। चाय रेडी कर दो। इससे पहले लेट कौन करा था? दोस्तों ये जो प्लेटर भैया ने चालू करा है ये काफ़ी बढ़िया है। आज आज़ादी के दिन से इनने चालू करा है। 119 रुपए में 5 आइटम दे रहे हैं तो काफ़ी वर्थ है। मतलब ये स्टूडेंट जो है किसी की जेब पे भरी ना हो इस वजह से ये यूनिक कॉन्सेप्ट को चालू करा है। तो उसी समय फ्रेश बना के देते हैं बिल्कुल, तो वर्थ है। आप लोग भी आइएगा, टेस्ट करिएगा इसे। तो दोस्तों ये देखिए बढ़िया सा जिसके लिए हम लोग आए थे, ये बिस्किट है और ये चाय है। बढ़िया यूनिक कॉन्सेप्ट चालू करा है भैया ने और 2 साल हो गए लगभग इनको। पहले फूड कार्ट से चालू करा था इनने, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। मतलब 10 रुपये की इतनी बेहतरीन चाय है और आप कब देख के ही आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों वाकई में बिस्किट इतना बढ़िया है, मतलब बिस्किट खाएंगे तो चाय का भी मज़ा आएगा और चाय पियेंगे तो बिस्किट तो है ही खैर अपनी जगह पे। बहुत ही यूनिक है और चाय के साथ एक बिस्किट आपको फ्री मिलेगा इधर। तो साथियों बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ आप लोग आइएगा। ये भवरकुआ एरिया में है, ये गिरिराज टावर के ठीक नीचे लगाते हैं भवरकुआ रोड पर, और इसकी एड्रेस और GPS लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ आएँ और विज़िट करें और ऐसी कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कंटेंट हम लोगों को बताते रहें। ये WhatsApp नंबर है ताकि हम लोग उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को दिखा सकें। तो साथियों ध्यान रखिएगा एक दूसरे का, टेक केयर एंड बाय बाय।